नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम कटिंग करेंगे, ब्लाउज कटिंग में कटिंग करेंगे, कटोरी कट ब्लाउज 34 साइज की। तो ये हमारा भाग 4 वीडियोज होगा कटोरी ब्लाउज की कटिंग में। ये चौथा भाग है, फर्स्ट भाग था 28, सेकंड था 30 और थ्री नंबर पे था 32 साइज और 4 नंबर पे है 34 साइज, 5 नंबर पे होगा 36 साइज और 6 नंबर पे होगा 38 साइज और 7 नंबर पे होगा 40 साइज। इस तरह से मैं आपको 10 साइज तक 46 साइज की कटिंग बताऊंगी। कटोरी कट ब्लाउज स्टेप्स है ये, और इसी तरह से आपको प्रिंसेस कट स्टेप्स भी मिलेंगे, साथ में आपको स्टेप बाय स्टेप और नॉर्मल सिलाई जैसे ओपन सिलाई में भी मैं आपको बताऊंगी इसकी स्टिचिंग और पेकिंग सिलाई यानी अंडरग्राउंड जो सारी सिलाइयां होती हैं, शोल्डर की सिलाई अंडर पेकिंग कैसे करें, एक एक सिलाई को मैं आपको अंडर पेकिंग करना भी बताऊंगी इसी चैनल के माध्यम से। तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल में, हमारे साथ में। मैं चाहूंगी कि आपकी ब्लाउज की कटिंग परफेक्टली हो, आपकी ब्लाउज की स्टिचिंग परफेक्टली हो। तो आइए आज की हम 34 साइज की आपको कटिंग बताते हैं। देखो ब्लाउज की कटिंग के अंदर सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि आप टू फोल्ड में है, ये हमारे पास जो पेपर है डबल फोल्ड में है। एक पे हम बैक साइड की कटिंग करते हैं, एक पे हम आगे के, परंतु मैं आपको अलग अलग बता रही हूँ। सबसे पहले हम बैक साइड पार्ट्स की कटिंग करेंगे। 34 के साइज के अकॉर्डिंग आप 13.5 की लेंथ रख सकते हो और जो लॉन्ग पहनते हैं वो 14 की लेंथ रख सकते हैं। तो मैं आपको नॉर्मली 14 की लेंथ में ही बता रही हूँ, और 14 की लेंथ जब हम तैयार करेंगे तो हमें 14.5 इंच लेना होगा। तो यहाँ पे मैं 14.5 इंच पे और स्ट्रेट लाइन बना देती हूँ, ये हमारी ब्लाउज की लेंथ की लाइन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम शोल्डर बनाएंगे, शोल्डर लेंगे हम यहाँ क्योंकि मीडियम नेक होगा हमारा लगभग, तो यहाँ पे हम 5 इंच शोल्डर ले रहे हैं। नेक विड्थ हम यहाँ पे भी 2.25 इंच ही लेंगे। बैक साइड का जो हमारा नेक होगा वो हम यहाँ पे रख रहे हैं 9 इंच, ये मीडियम नेक है। डीप नेक इससे ज्यादा 10 इंच, 11 इंच या फिर 12 इंच तक हमारा जो होता है वो डीप नेक होता है, और इसके बाद जो हमारा यहाँ से चौड़ाई में ज्यादा होता है वो हमारा ब्रॉड नेक होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको मीडियम नेक, मीडियम डीप नेक बताया है। यहां से हम इसकी जो आर्म होल ले रहे हैं वो ले रहे हैं 5.5 इंच। ठीक है, 1/4 इंच का हम यहाँ पे शेप लगा देंगे, यहाँ पे हम लेंगे 8.5 इंच, यहाँ पे हम 1 इंच का राउंड शेप लगाएंगे क्योंकि डीप नेक है। वैसे जो 9 इंच तक होता है वैसे वो डीप ही होता है, तो ये हमारा डीप नेक है। इसलिए नॉर्मली अगर आपका 7 इंच तक नेक हो तो आप ये वाली जो शेप राउंड शेप है वो 1.5 इंच लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 इंच लगाया है, इसलिए लगाया है क्योंकि ये ज्यादा जो नेक है वो कवर कर लेता है, ये जो होती है ना इस चीज को नेक कवर, नेक फेल जाता है, नेक फेल जाता है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा गेप की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे आपकी आर्म होल शुरू हो जाती है, जो बगल होती है वह शुरू हो जाती है। अगर आप यहाँ पे ज्यादा लेंगे, 1.5 इंच ले लेंगे, 1/4 इंच ले लेंगे ये वाली जो राउंड शेप है वो, तो यहाँ पे आपको सलवट आएगी, यहाँ पे आपको लूजपन महसूस होगा। कमर का 4th पार्ट होता है 7 इंच और 1/4 इंच मैंने डार्ट के लिए एक्स्ट्रा लिया है, 8 इंच पे यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं और फिर 1.5 इंच का हम मार्जिन पॉइंट लगा देते हैं। दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से मिलाएंगे, ये हमारा फिटिंग पॉइंट्स होगा इस तरह से, ये हमारा मार्जिन पॉइंट होगा इस तरह से। ठीक है, बैक साइड पार्ट्स में अब क्या है, एक हमें डार्ट लगानी है बिग साइड पार्ट्स की। ये लगाते हैं हम चेस्ट के 10वें भाग पे। तो आप देख सकते हैं मैंने 3.5 से 1 लाइन कम लिया, यानी
3.40 की दूरी से, 3.5 पे भी लगा सकते हो। ये मैंने आपको दिखाया है कि बराबर का जो नाप होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ पे हम 4 इंच तक की ही डाट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा नेक स्टार्ट हो सा, नेक से नीचे नीचे ही ये आपकी जो डाट है वो होनी चाहिए। इस डाट की आपको टोटल चौड़ाई कितनी लेनी है, 1/4 इंच की। तो देखो, एक यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, एक यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया है। इसको मैं यहाँ पे नीचे तक ऐसे कर देती हूँ और फिर इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी 1/4 इंच की बराबर में डाट है, ये हमारा 1 इंच यहाँ पे आता है। बिल्कुल ओके, हमारी डाट यहाँ पे इस तरह से लगेगी और ये सेंटर में इस तरह से हम इसको मिला देंगे। तो ये हमारी बेक साइड की डाट हो गई है, कम्प्लीटली बिल्कुल तैयार है। बेक साइड का पार्ट आप इस तरह से कटिंग कर सकते हो। ये नेक लाइन कटिंग करते हुए ये सेप लाइन कटिंग करेंगे, फिर ये आर्मोल लाइन कटिंग करेंगे, फिर ये मार्जिन लाइन कटिंग करेंगे। ये आपका फर्मा हो गया बिग साइड पार्ट्स का। बिल्कुल बराबर में फैब्रिक पे रखिए, ये साइड फोल्डेड होनी चाहिए यहाँ से, और आप कटिंग कर लीजिए बिल्कुल बराबर में। सिर्फ तुरपाई की पट्टी हम एक्स्ट्रा लेंगे या फिर एक्स्ट्रा ज्वाइंट करेंगे। अब मैं आपको आगे के पार्ट्स की कटिंग दिखा रही हूँ, वही लेंथ ले रहे हैं बिल्कुल बराबर में मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। जितना हमें सिम में चाहिएगा वो मैं आपको फैब्रिक पे रख के बताऊंगी कपड़े पे कि कितने किस पार्ट्स को आपको, जब आप फर्मा कटिंग कर चुके होते हो, आपको ब्लाउज पीस पे कटिंग करना होता है, तब आपको कैसे कटिंग करना चाहिए, तो वो मैं आपको कपड़े पे रख के कटिंग करना बता दूंगी। यहाँ पे हम 2.25 इंच वही चौड़ाई, नेक यहाँ पे हम लेंगे 5.25 इंच और इस तरह से हम अपने नेक को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहां से हम लेंगे फिर 5 इंच, यहां से हम लेंगे 5.5 इंच, यहां से हम यहाँ पे इसका सेप लगा देंगे 1/4 इंच का, यहां से हम लेंगे वही, यहां तक फॉर्मूला बिल्कुल बिग साइड के बिल्कुल बराबर आता है, यहां तक का हो गया, ठीक है। ये नेक तो नीचा या बड़ा या छोटा हो सकता है, बाकी फॉर्मूला मेजरमेंट टोटल बराबर है। यहाँ पे हम सेप लगाएंगे 1/2 इंच से ज्यादा और इसको हम 1/2 सेंटर तक यहाँ तक मिला देंगे और फिर इसको हम इस तरह से मिला देंगे और इसको फिर हम अच्छा सा राउंड सेप हाथों से बनाएंगे इस तरह से। आप देखें, ये इस तरह से हम इसकी गोलाई दे देंगे, ठीक है। अब हम इसकी जो मार्जिन लाइन है वो बना देंगे, 1.5 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन ले रहे हैं और 34 के बाद आप मार्जिन को बढ़ा सकते हो, 2 इंच का रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ जो घटती बढ़ती रहती है तो खोलने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे हमारी होगी देखो, अब चेस्ट का थर्ड भाग 11.5 इंच, यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे 1/4 इंच, 11 इंच पे हम यहाँ पे पॉइंट लगा रहे हैं। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर में मैंने 11 इंच पे पॉइंट लगा दिया है और इस 11 इंच की लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट बना देंगे इस तरह से, ठीक है। अब हमें यहाँ से हल्का सा इसको राउंड शेप भी लगा देना है, तो ये मैंने यहाँ पे राउंड शेप लगा दिया है। मुझे कटोरी यहाँ पे कटिंग करनी है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ कटोरी की चौड़ाई 4.5 इंच, यहाँ पे हम 5 इंच तक रख सकते हैं, 5.25 भी ले सकते हैं, नाप के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर हमारे ब्लाउज का जो नाप होता है हमारे पास में, उसमें छोटी या बड़ी हो तो साइज को बढ़ाया जा सकता है। मेन चीज क्या होती है कटोरी की, कटोरी का जो टक्स होता है ना वह मेन होती है। इस साइज को आप थोड़ा सा बड़ा कर ली, इसकी चौड़ाई बढ़ा दी तो क्या फर्क पड़ता है, ये वाला पार्ट्स कम हो जाएगा, और इसकी कम कर ली तो क्या है, ये वाला पार्ट्स बड़ा रहेगा ना, तो वो उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैंने गले की रख दिया है, तो इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर दूंगी यहाँ पे इसको ऐसे। अब ये भी ध्यान रखना यहाँ पे जरूरी है कि ये 2 इंच की जो डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है ना, तो हमें 2 इंच की डिस्टेंस यहाँ पे रखनी है। हो गया हमारी कटोरी के जो निकालेंगे वेस्टेज पार्ट्स, उसकी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। यहीं पे वैसे ही 7.5 इंच कमर का 4th पार्ट, 1/4 इंच लेंगे हम सीम के लिए। सीम कौन सी सीम, जो हम पट्टी और गलाई की पट्टी अटैच करते हैं वो वाली सीम, और ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन हो गया है। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को वैसे ही बिल्कुल बराबर में मिलाएंगे और ये मैं आपको पेपर फर्मा कटिंग बता रही हूँ, और इससे आप अपने ब्लाउज की परफेक्टली कटिंग कर सकते हो ब्लाउज पीस पे रख करके। तो ये हमारी आगे का पार्ट्स बिल्कुल अच्छे से तैयार है। सारे पार्ट्स को अलग करेंगे, इस पार्ट्स को अलग करेंगे, तीरे के पार्ट्स को अलग करेंगे, क्रोश पट्टी को अलग करेंगे। इस तरह से मैंने अपने सारे पार्ट्स की कटिंग कर ली है, ठीक है। ये हमारी ऊपर का पार्ट्स है और वेस्टेज कटोरी का पार्ट्स है, ये हमारे नीचे की क्रोश पट्टी है।
अब हम तीरे के पार्ट्स को और कटोरी के पार्ट्स को भी इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। तो हो गया है, दो पार्ट्स हमारे बिल्कुल बराबर में हैं, ठीक है। इस पार्ट्स में आपको ओरिजिनल कटोरी बनाना बता देती हूँ ताकि आपको कभी भी किसी भी साइज में प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप जब इस साइज का ब्लाउज बना रहे हो, ये मेरा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ब्लाउज आपने बनाया है, मैं आपको नीचे स्टिचिंग की लिंक दे दूंगी, उसके अनुसार आप मेरी सिलाई की जो टिप्स दी हुई है उसके देख करके फिर सिल लिएगा ब्लाउज, और फिर मुझे कमेंट अवश्य कीजिएगा, मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगी। यहाँ पे हम आपको कटोरी की कटिंग बता देते हैं, ये हमारा कटोरी का जो पार्ट्स है। अब ये इसकी चौड़ाई की कई बार पूछती हैं बहने कि इसको आपने कितना लिया, किसी में 4.5 लिया, किसी में 5 भी ले सकते हैं हम, किसी में 5.25 तक भी ले सकते हैं, अगर बैक साइड से नेक बिल्कुल बंद होता है, यहाँ पे हमारे आर्म होल शोल्डर ज्यादा होते हैं, जैसे ये मैंने 5 इंच शोल्डर लिया, 5.5 तक शोल्डर हो जाते हैं, तो आप कटोरी की साइज को बढ़ा सकते हो, या फिर आप 5 इंच की कर सकते हो, वरना इसकी साइज से क्वार्टर इंच से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वार्टर इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो ये बढ़ेगा, ये पार्ट्स बढ़ करके यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये बड़ा हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो हम टक्स लगाते हैं ना, ये हमारी साइज को कवर करता है, न कि हमारा ये पार्ट्स कवर करता है, पार्ट्स कवर नहीं करता। आप जो ये टक्स लगाओगे ना, वह टक्स ही आपकी कटोरी को कटोरी बनाएगा, ना कि ये जो कागज है वो, ये जो इसकी गोलाई है, इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई कभी कटोरी नहीं बनाती है, कभी उसे बस वो छोटी या बड़ी का आकार दिखाई दे सकता है, वो कुछ भी कवर नहीं करती। अब देखो, ओरिजिनल कटोरी की कटिंग करने के लिए ये जो वेस्टेज पार्ट्स है, इसको यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा जगह चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, सामने की साइड में, चारों साइड में इसमें स्पेस है, तो हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने इस पार्ट्स के बिल्कुल बराबर में इसको ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इसको अब हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। अब हम अपना इंची टेप लेते हैं और इससे 1.25 इंच आगे एक पॉइंट लगाएंगे, ये हो गया हमारा 1.25 इंच का। अब आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कटोरी के आगे की साइड में राउंड शेप होता है ना, हल्की सी गोलाई होती है, तो मैंने यहाँ पे भी गोलाई लगा दी है। इसी तरह से यहां से भी हम 1.25 इंच यहाँ पे हम सीधा लगाएंगे बिल्कुल, ठीक है। ये हमारा 1.25 इंच का पॉइंट हो गया है। इन दोनों पॉइंट्स को लगाने इससे पहले, ये जो हमारा 4.5 होता है ना, इसका हाफ सेंटर हमें करना है, कितना हुआ, 2.25 और उससे एक लाइन ज्यादा, ये हो गया हमारा मिडिल सेंटर, और इसको हम यहाँ पे लेंगे 1.25 इंच, ये परफेक्टली हमारा 1.25 इंच हो गया है। यहाँ से हम सिर्फ 1/4 इंच लेंगे सिम के जितना, यानी मतलब इतना ही समझिए आप, ये इतनी ही मेरी सिम होती है। यहाँ पे मैं 1/2 इंच करूंगी, क्यों, क्योंकि इस तरफ में मुझे एक बीच की टक्स, यहाँ पे हम टक्स लगाते हैं वो भी लगाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा किया है। अब हमें इसको इस तरह से मिलाना होता है, ये इस तरह से बिल्कुल परफेक्टली भी मिलता है, फर्स्ट पॉइंट में मिला दिया है, इसी तरह से हमें इसको सेकेंड पॉइंट में ऐसे मिलाना है, ये हमारा यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे भी मिल गया है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये देखिए, ये जो मैं बिंदु लगा रही हूँ, ये इसका ओरिजिनल बिंदु होगा कटिंग का, जो हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम 1/4 इंच एक्स्ट्रा आगे बढ़ा देते हैं सिम के लिए, ताकि हमारी कटोरी का पार्ट छोटा ना हो, क्योंकि सिलाई करेंगे तो सिलाई में जाएगा तो हमारी कटोरी का जो आकार है वो छोटा हो जाएगा। यहाँ से मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा इसको ऊपर की ओर ऐसे बढ़ा दिया है। 1/2 इंच बढ़ाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। अब इस 1/4 इंच के पॉइंट्स को हमें इस तरह से लगाते हुए हल्के हल्के पॉइंट्स और यहाँ पे मिला देना है 1/2 इंच में। तो अब आप देख सकते हैं, मैंने कि बहुत अच्छे से इसको मिला दिया है। अब आप इस लाइन को डार्क कर सकते हैं, तो अब आप देख सकते हैं हमारी कटोरी बिल्कुल अच्छे से बन चुकी है। अब हम इसकी जो टक्स लेंगे वो भी आपको यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे मैं 3.5 सी थोड़ी सी ज्यादा, ये 2.5 इंच यहाँ पे होता है, 1 पॉइंट ज्यादा मैं यहाँ पे इसकी टक्स की जो लेंथ है वो ले लेती हूँ, तो यहाँ पे मैंने टक्स की लेंथ ले ली है। यहाँ पे मैं 1/4 इंच जो परफेक्टली मैंने लिया है उतना ही, बिल्कुल भी 1 पॉइंट भी एक्स्ट्रा नहीं लूंगी, जितना मैं यहाँ पे लेती हूँ ना एक्स्ट्रा, उतना ही मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, ना तो उससे कुछ कम ना उससे बिल्कुल भी ज्यादा,
अब कुछ बहने कह रही थी कि उनकी कटोरी अभी भी चपटी हो रही है, तो देखो सिलाई जो हमारी नीचे दी हुई है सिलाई की लिंक, उस सिलाई की वीडियो को आप बार बार देखिए, और जब भी आप सिलाई करें उससे पहले एक बार वीडियो देख लें ताकि आपकी कटोरी की जो सिलाई है वो बेकार ना हो, खराब ना हो। तो इस लेंथ को हमने यहाँ पर ढाई से एक पौन ज्यादा लिया है, पौने तीन तक ये मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है, पौने तीन इंच की जो इसकी लेंथ होती है, तो वहां तक भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी एक पॉइंट में। तो ये हमारे कटोरी का बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे मॉडल बन गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी कटोरी का पार्ट्स हमने कटिंग कर लिया। अब ये दोनों पार्ट्स है, अब आप देखिए इस तरह से जो कटोरी का जो पार्ट्स होता है ना वो बड़ा होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि ये आप मैंने पास में लगाया, बिल्कुल कटोरी का पार्ट्स हमारा बड़ा है और तीरे का पार्ट छोटा है, तो इस तरह से छोटा होना चाहिए, जब हम स्टिचिंग करेंगे बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब मैं इन दोनों पार्ट्स को कपड़े पे आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मैंने अपने पार्ट्स के बिल्कुल बराबर में और यहाँ पे कटोरी की कटिंग कर ली है, ठीक है, और इसी तरह से मैंने इस पार्ट्स की भी कटिंग कर ली है। अब आप देख सकते हैं इसी पार्ट से भी हमारी कटोरी का पार्ट्स बड़ा है, पर आप घबराइए मत, मैं आपको अभी इसकी सिलाई दिखा रही हूँ और मैं आपको इसकी सिलाई जो है अंडर पैकिंग करना बता रही हूँ, ठीक है। देखो मैंने अपनी कटोरी के पार्ट्स पे मार्क कर लिया है, यहाँ पे मैंने सवा इंच लिया है, ये देखिए ये सवा इंच हो गया हमारा, और इसकी जो लेंथ है वो मैंने यहाँ पे पौने तीन इंच ली है, तो ये पौने तीन इंच हमारी लेंथ है और इसकी जो चौड़ाई है वो सवा इंच की हमने आपको पता है एक्स्ट्रा ली थी उतनी। मैं अदर वाइज धागा यहाँ पे यूज कर रही हूँ, ये मैंने यहाँ पे लाइनिंग का फैब्रिक लिया है और इसकी मैं डबल स्टिचिंग कर लेती हूँ। हमारी कटोरी का पार्ट्स यहाँ पे स्टिच हो गया है, और काफी बहने ये कहती है कि उनकी कटोरी तिरछी होती है, चपटी होती है, मेरी ये समझ में नहीं आ रही ये बात क्यों हो जाती है। अब आपके सामने देखो मैंने सिर्फ लाइनिंग के पार्ट्स पे यहाँ पे स्टिच किया है और ये बिल्कुल ओके कटोरी है, बिल्कुल ओके जो कटोरी का पार्ट्स है बिल्कुल इसमें कोई प्रकार की कमी नहीं है, छोटी बड़ी बिल्कुल सही साइज है। अब यहाँ पे आप इसकी एक छोटी सी चुन्नट लगा सकते हो, जितने की हमने क्वार्टर इंच एक्स्ट्रा लिया था ना लेंथ के अंदर, तो वो आप छोटी सी लगा सकते हो टोटली, मतलब ये जो डबल फोल्डेड है ना डबल में क्वार्टर होनी चाहिए, मतलब इसको एकल करते तो क्वार्टर ही होनी चाहिए, डबल में क्वार्टर से कम होनी चाहिए तो फिर ये क्वार्टर इंच की हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मैंने कितनी छोटी यहाँ पे टक्स लगाई है, एक फिनिशिंग देने के लिए ये टक्स लगाई जाती है, जो ये सामने वाली हमारी डार्ट होती है ना इससे कटोरी का जो लुक अच्छा आता है। तो ये हमारी कटोरी तैयार है। अब देखो ये पास वाला पार्ट्स मैं आपको स्टिच करना बताऊंगी, क्योंकि इसके मैंने दो पार्ट्स कटेंगे, तो आपको अंडर पैकिंग जैसे हम लाइनिंग का पार्ट्स, जैसे मान लीजिए ये हमारा साड़ी का फैब्रिक है ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है, तो पहले हम ऊपर की साइड में ज्वाइंट कर रहे हैं इस पार्ट्स को, ठीक है, और इस तरह से हम इसको ज्वाइंट करेंगे। मैं आपको इसकी अंडर पैकिंग, जब आप लाइनिंग का ब्लाउज सिलाई करते हो कटोरी का तो आपको स्टिचिंग कैसे करनी चाहिए एक स्टिचिंग आपको बताती हूँ अंडर पैकिंग करने का तरीका। किसी भी पार्ट्स को हमें बिल्कुल नहीं खींचना है, बिल्कुल पार्ट्स के ऐसे ऊपर लगा देना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है और ना ही लूज छोड़ना है बिल्कुल, क्योंकि इसकी जो राउंड शेप होगा ना वह जो इसकी लेंथ है वो बिल्कुल कवर कर लेगा, क्योंकि हमारी कटोरी की लेंथ जब हम कटिंग करते हैं तो थोड़ी बड़ी होती है और यह जो हमारा पार्ट्स होता है बिल्कुल कवर कर लेता है इसकी लेंथ को। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसकी स्टिचिंग कर दी है, एक सिलाई हमारी यहाँ पे हो गई है। अब हम इसको खोल लेते हैं। अब देखिए ये हमारा पार्ट्स यहाँ पे ज्वाइंट हो गया और बिल्कुल ओके ज्वाइंट भी हुआ है, ठीक है ना। अब हमें इसको लाइनिंग का, मान लीजिए ये अस्तर वाला पार्ट्स है, इसको स्टिच करने के लिए अब आपको जो लाइनिंग वाला पार्ट है ना वो नीचे लगाते हैं ना हम, ये देखिए ये ऑफ साइड है, ये ऑफ साइड है ना, ऑफ साइड की साइड में हमें लाइनिंग का पार्ट ऐसे लगा देना है, नीचे रख लेना है यानी ऊपर की ओर सॉरी, तो जो सिलाई किया हुआ पार्ट होता है वो नीचे होता है और जिसको हमें अटैच करना होता है वो पार्ट ऊपर होता है, इसको भी हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे और वैसे ही सिलाई करेंगे जैसे नीचे सिलाई हमें दिखाई दे रही है ना, ठीक उसके ऊपर ऊपर हम इसकी सिलाई ऐसे कर देंगे।
तो यहाँ पे हमारी ये बिल्कुल बराबर में यहाँ पे सिलाई हो गई है दोनों पार्ट की। अब आप देखेंगे तो हमारी जो कटोरी की सिलाई है वो अंडर स्टिच हो गई है। अब आप देखिए, ये जैसे एक फैब्रिक आप साड़ी का मान लीजिए, एक फैब्रिक आप लाइनिंग के पार्ट्स का मान लीजिए, बिल्कुल हो गई है अच्छे से। अब आप इस तरफ से भी देखिए, बिल्कुल हो गई है ये भी सिलाई हमारी अच्छे से। तो इस तरह से जो होती है ना वो अंडर पेकिंग स्टिचिंग हो जाती है कटोरी के पार्ट्स के साथ में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिएगा। जल्दी ही हम नेक्स्ट 36 साइज की वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। इस तरह से आप कटोरी की स्टिचिंग कीजिएगा बिल्कुल परफेक्टली। यहाँ पे हमारी थोड़ी सी देखिए बड़ा हो रहा है तो इसको हम कट करके अलग कर देंगे, क्योंकि कटिंग करना होगा अगर आपका, क्योंकि ये मेरा लाइनिंग का कपड़ा था इसलिए थोड़ा सा बढ़ गया, वैसे बढ़ता नहीं है, बिल्कुल बराबर ही रहता है। जब हम हमारा कटोरी का पार्ट्स बड़ा होता है तब बिल्कुल बराबर स्टिचिंग हो जाती है। तो ये लाइनिंग का बिल्कुल बारीक कपड़ा था, थोड़ा सा ये साइज में नीचे से बढ़ गया है, नीचे से बढ़ सकता है। यहाँ से कभी बढ़ने मत देना, सिलाई स्टार्ट यहाँ से करना। लाइक करें हमारी वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा से